हाथ में दोनों मोटरसाइकिल में लेकर के जंगल पहाड़ी की ओर ले जाया गया और वहाँ मौके से लकड़ी इकट्ठा किया करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लकड़ी इकट्ठा करके पास के गांव से पेट्रोल ला करके पेट्रोल से लग करके उसको आग लगा दिए गई। जब पर्याप्त जल गए उसके बाद में वहाँ से आकर जो उसकी जो बाइक थी, बाइक को पहले जो रेंजिन वाला पार्ट था उसको जलाया गया, उसके दो तीन हिस्से में उसके टुकड़े किए गए, पेट्रोल टंकी को जलाया गया, बाद में एक गड्ढे में ले जाकर उसको बाइक को भी गाड़ दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम उनके द्वारा जितने आरोपी हैं उनके द्वारा तस्दीकी पर सिलसिलेवार घटनाक्रम को बताया गया है। पूरे घटनाक्रम के और उसके स्वीकारोक्ति और प्राप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपी जो अमित यादव सरपंच, उसका भाई जो है सुख सागर यादव, एक अन्य आरोपी नंदलाल और आरोपी जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। तो उसमें थाना चिल्फी में धारा 302 231 IPC के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इन चारों आरोपियों को आज पुलिस रिमांड पर लिया गया है और आगे की विवेचना की जाए। क्या वजह भाई सर हत्या का? 12 नवंबर 2022 को विवेक चौबे जो कवर्धा के निवासी हैं वो बोकर फार गए हुए थे और बोकर फार से लगभग शाम को 5 बजे से गायब थे। इसकी रिपोर्ट 16 तारीख को थाना कवर्धा में दर्ज किया गया था, जिस पर थाना कवर्धा में गुमिनसान दर्ज करके इसकी जाँच की जा रही थी। लगातार जाँच करने के बाद में संभावित जितने भी ठिकाने थे उन संभावित ठिकाने में पता तलाश किया गया, परंतु विवेक चौबे नहीं मिल पाए थे। इसी दौरान दिनांक 21 को एक अलग सूचना प्राप्त हुई, जिस पर बोकर खार से जब कोई पानी होते हुए चीज भी आते हैं तो वहाँ का एक फॉरेस्ट और उसमें पहाड़ है, उस बीच में किसी प्रकार के जलाए जाने के राख और उसमें कुछ हड्डियाँ के टुकड़े मिले हुए हैं करके, इस आधार पर यहाँ की जो पुलिस पार्टी जो गठित की गई थी, टीम गठित की गई, मौके पर वहाँ पहुँची। जब इसका अवलोकन किया गया, FSL टीम के द्वारा अवलोकन किया गया, तो उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि मानव की जो अंग हैं उसकी हड्डियाँ हैं उसमें पाए गए हैं करके। इस आधार पर मौके पर ही जीरो की एक कायमी किया गया, मर्ग की कायमी की गई और उसमें जाँच आगे बढ़ाया गया। चूँकि विवेक चौबे मिसिंग थे, उनके जितने भी हर संभव प्रयास किए गए थे पता तलाश कर नहीं मिल पाए थे, तो पुनः उसके जो संदेही थे उनके ऊपर नज़र गई और उनको पुनः बुला करके पूछताछ किया गया। जब पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा दिनांक 12 नवंबर को ही विवेक चौबे हैं उनकी हत्या कर दिया जाना और उसको डेड बॉडी को उसी जगह पर ला जा करके जहाँ से राख बरामद हुई थी उसको वहाँ पर जलाया जाना बताया गया और वो वही जगह पर जो पुलिस एक दिन पूर्व में जिस पर मर कायम किया था। जब इनसे और बारीकी से पूरे घटनाक्रम के संबंध में पूछताछ किया गया तो इसमें बताया गया कि विवेक चौके 12 तारीख को बोकर खार आए हुए थे, वहाँ के जो सरपंच है अमित यादव उसके साथ में शाम से लेके रात तक साथ रहे। जब उसमें कुंड पानी के मोहल्ले में आया तो पहले एक चेतु के घर में, फिर बाद में सड़क के किनारे दो बार त्वरित इसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गुस्से में आकर के सरपंच अमित यादव के द्वारा पहले हाथ मुक्के से मारपीट की गई, बाद में वहाँ जो रुझान था उसमें से एक बड़ा सा लाठी निकाल करके पहले पैर में, बाद में पीठ में, गले में और सिर में चोट पहुँचा करके उसकी हत्या कारित कर दी गई। जब पता चला कि उनकी मौत हो गई है तब उसके द्वारा अपने भाई सुख सागर को, उसमें पड़ोसी जगदीश और नंदलाल को भी वहाँ मौके पर बुला लिया गया और पूरे डेड बॉडी को साथ में ट्राई करने के उद्देश्य, छिपाने के उद्देश्य वहाँ से रात में ले जा करके उन पानी के ही जंगल में ले जा करके गड्ढा खोद करके उस पर डाल दिया गया। उसमें जो चीज़ें जलाई जा सकती थी जल सकती थी तो उसको रबर वाली चीज़ें या फिर रेगजीन वाली चीज़ों को निकाल करके जला दी गई, पेट्रोल टंकी को अलग से निकाल के जला दिया गया, मोटरसाइकिल के पंच है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से टुकड़े में भाग कर दिया गया, तो तीन टुकड़े में अलग किया गया था, एक उसका टंकी था, दूसरे अलग सामने वाले जो पहिया वाला पार्ट था, तीसरा इंजन और उसको उसके पीछे वाले पार्ट था उसको भी इनके निशानदेही पर पूरे मोटरसाइकिल को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य, छिपाने के उद्देश्य वहाँ से रात में ले जा करके कुल पानी के ही जंगल में ले जा करके गड्ढा खोद करके उस पर डाल दिया गया। उसमें जो चीज़ें जलाई जा सकती थी जल सकती थी तो उसको रबर वाली चीज़ें या फिर रेगजीन वाली चीज़ों को निकाल करके जला दी गई, पेट्रोल टंकी को अलग से निकाल के जला दिया गया, मोटरसाइकिल के पंच है तो उसको
डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से टुकड़े में भाग कर दिया गया, तो तीन टुकड़े में अलग किया गया था, एक उसका टंकी था, दूसरे अलग सामने वाले जो पहिया वाला पार्ट था, तीसरा इंजन और उसके पीछे वाले पार्ट था, उसको भी इनके निशानदेही पर पूरे मोटरसाइकिल को मिले। फिर उसके बाद में अमित से मिले, अमित के साथ में पूरा लगभग 5 बजे के आसपास थे और वहाँ से लेकर के रात तक अमित के साथ में थे, इस दौरान आपस में पूरे समय थे। शाम के समय पर वहाँ से आकर के कुंड पानी में गए, कुंड पानी में जब जो घर में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ, फिर उसके बाद में जब वापस जब आ रहा था वो तो रोड के पास में फिर से तत्कालिक तौर पर अमित के साथ में और विवेक के बीच में दोनों के साथ में फिर झगड़ा हुआ, और झगड़ा के बाद में जो वहाँ जो बागड़ जो रहता है बाड़ी के उस पर, वहाँ से एक मोटा सा डंडा उठा पहले मुक्के से मारा गया, फिर बाद में डंडे से उसके पैर में प्रहार किया गया, फिर पीठ में और फिर गर्दन में मार करके उसकी मौके पर ही हत्या कर दी गई। सरपंच है एक, वो उसमें तीसरे नंबर पर सुखसागर यादव है, वो उसका भाई है, वहाँ उसके साथ में रहकर के सेल्समैन का भी काम करता था और उसके पंचायती का काम भी देखा करता था। नंदलाल मेरा भी है जो कुंडपानी का उबी निवासी है, चौथा जगदीश दुर्वे है, जगदीश दुर्वे है जिसके घर में वो सुख सागर भी उसी घर में निवास करता था। तो ये इसके अतिरिक्त कुछ लोगों से और पूछताछ की गई, परंतु अपराध में ये चारों के संलिप्त होने का और पूरे आपराधिक घटनाक्रम को बताए जाने के बाद में समक्ष गवाहान फिर मौके पर लेकर के इनको गए और फिर इनके द्वारा पूरे सिलसिलेवार पूरे जो अपराध हम लोगों को पुलिस को बताया गया, तो पूरे सिलसिलेवार कल के दिन में पूरे घटनाक्रम को बताया गया, उसी घटनाक्रम को बताते हुए इसके द्वारा उसी जगह पर ले जाया गया जहाँ पर पूर्व में हम लोगों के द्वारा शेष राख और फिर मानव हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए थे, उस जगह पर इनको विवेक चौबे को मार करके मोहल्ले में कुंड पानी मार करके उस जगह पर जलाया जाना बताया। इसके निशानदेही पर मौके पर से कुछ हड्डियां बरामद की गई और साथ ही साथ मौके से ले जा करके जो नाला है, तो कुछ दिनों के बाद जा करके जो बड़े जो बचे हुए थे हड्डियां उसको नाले में फेंक दिया गया था साक्ष छिपाने के उद्देश्य से, उसको भी पुलिस मौके पर से जब्ती कार्रवाई करके उसको फिर से परीक्षण के लिए उसमें भेज रही है। तब हम लोगों ने फिर अपना जाँच का जो दायरा था वो थोड़ा सा और बढ़ाते हुए गांव-गांव में इस ओर भी हम लोगों ने प्रयास किए कि किन्हीं जंगल में या फिर किसी जगह पर किसी खोदने के कोई निशान मिल जाए या जलाने के निशान मिल जाए तो उस संबंध में सूचना दे करके, तो इसी आधार पर फिर हम लोगों को एक 30 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से हम लोगों को जंगल में कि जंगल में एक ऐसा जगह है जहाँ पर लगता है कि राख का ढेर है और उसमें कुछ हड्डियों के अवशेष हैं जिस पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है संभवतः वो आदमी की होगा करके। इस आधार पर तत्काल फिर मौके पर पूरी जो जांच टीम थी वो उपस्थित थी, मैं स्वयं उपस्थित हुआ और मौके के देखते हुए फिर हम लोगों ने चूंकि प्रारंभिक के जो जानकारी मिली थी उस पर फॉरेंसिक की टीम भी उसके लिए बुला लिए थे, तो सभी के देखने के बाद में मानव के अवशेष जैसे हम लोगों को मिले जो उसमें टुकड़े मिले थे उस पर, इस आधार पर फिर हम लोगों ने वहीं एक मर्ग कायम किया मौके पर, अब मर्ग कायम करके फिर उस ओर हम लोगों ने अपना जांच का दायरा बढ़ाए। इसको जैसा हड्डियों के टुकड़े मिले थे उसको प्रारंभिक जांच के लिए अस्पताल में, फिर उसके बाद मेकाहारा भेजा गया, मेकाहारा से भी रिपोर्ट आना बाकी है, परंतु प्रथम दृष्टिया जो फॉरेंसिक के अधिकारी थे उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि मानव हड्डी हो सकते हैं, तो अभी वो आना बाकी है। क्योंकि अभी एक अंदाजा था, रूट वही था, तो इसी आधार पर फिर हम लोगों का दायरा फिर जांच वो अपना चेंज हुआ कि हो सकता है कि विवेक की ही किसी प्रकार का कोई अपराध घटित करके उसको जला दिया गया हो। इस आधार पर जो जो आपने समय पर जिनके साथ में वो उपस्थित रहा वो उसको संदेह के दायरे में ला करके उसके यार दोस्त जो 4-5 अन्य थे उनको संदेह के दायरे में ला करके लगातार फिर उसमें पूछताछ किया गया, उसमें हिम्मत चमड़े से पूछताछ की गई, समस्त जो पुलिस के द्वारा प्रयास किए गए जो अंततः इनके द्वारा पहले हिला हवाला किया गया कि किसी प्रकार का उनके द्वारा नहीं किया गया, परंतु बाद में जब पुलिस से अपने तरीके से पूछताछ की गई तो अपराध की इनके द्वारा स्वीकार की गई आरोपियों के द्वारा। मिसिंग इनकी रिपोर्ट पुलिस को कवर्धा में 16/11 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें रूपेश चंद्रवंशी हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 12 तारीख को निकले थे अभी तक पहुंचे हैं करके,
इस आधार पर थाना कवर्धा में गुमिस्थान दर्ज किया गया। गुमिस्थान का नाम 121/2022 और इसके गुमिस्थान की लगातार पता तलाश किया जा रहा था। गुमिस्थान के जांच के दौरान ही जो हम लोगों को जो पता चला कि आपके समय पर इसका जो साथ होने के या उपस्थिति की जो हम लोगों को जो सूचना प्राप्त हुई थी वो कर में आपके समय पर ये देखे गए हैं करके, इसमें इस उपस्थिति के अतिरिक्त एक सूचना हम लोगों को और प्राप्त हुई थी कि दिनांक जो 13 को सुगवा पारा बोडला में भी इनकी उपस्थिति थी। ये जो सूचना थी फिर हम लोगों के पास जो जानकारी थी वो टेक्निकल रिपोर्ट से मोबाइल के आधार पर प्राप्त हुआ था, जिस पर थोड़ा सा एक उपस्थिति के संबंध में जो जानकारी मिली थी। इन सभी प्रारंभिक जो जानकारी हम लोग चाहे मोबाइल के माध्यम से मिला हो या फिर फेसबुक के माध्यम से मिला हो, उपस्थिति को देखते हुए यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता था कि यह जो है बोकरखा चिल्फी थाना क्षेत्र या बोडला या फिर चिल्फी की ओर जा सकते हैं कहकर उन्हीं जगहों पर से मिसी गए। क्योंकि ये पत्रकारिता से जुड़े हुए थे तो इसलिए जांच का दायरा शुरू से ही बढ़ा हुआ था कि पत्रकारिता होने के कारण से इनका दायरा बड़ा था, तो हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई इसको जीरोइंग करने में। RTI के तहत में भी जानकारी लिया करते थे तो उसके कारण से भी थोड़ी सी और जानकारी हुई कि वो वनांचल के कई गांव में उनका भ्रमण होता था और उसके संबंध में RTI की जानकारी उनके द्वारा प्राप्त की जाती थी।